रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जितना पुराना हो रहा है उतना ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर बम रॉकेट्स मिसाइलों की बौछार जारी है एक और रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है जैसे जैसे रूसी हमले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यूक्रेन अपने एक एक इलाकों पर से पीछे हटता जा रहा है तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी मदद के पहुंचते ही रूस पर अटैकिंग मोड में आ गया है पिछले दिनों रूस की ओर से यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाने के बाद से यूक्रेन बैकफुट पर आ गया था ऐसी आशंका थी कि रूस के कड़े तेवरों के सामने यूक्रेन जल्द ही घुटने टेक देगा मगर यूक्रेनी सेना ने भी हार न मानते हुए रूसी सेना पर भीषण पलटवार किया है दोनों ही खेमों के इरादों को देखने से साफ जाहिर है कि फिलहाल युद्ध का अंत काफी दूर है इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने पुराने फैसलों को दोहराते हुए एक बार फिर चौकाने वाला फैसला ले डाला है युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के पूर्वी इलाके में सेना का नेतृत्व कर रहे एक हाई रैंक मिलिट्री अफसर को जेलेंस्की ने फायर कर दिया है जेलेंस्की के अचानक से लिए गए इस कदम से सब हैरान हैं। बताया जा रहा है कि इस फैसले से सैन्य यूनिट को एक बड़ा धक्का पहुंचा है दावा किया जा रहा है कि अफसर पर रूसी हमले के दौरान सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है हालांकि जेलेंस्की का यह चौंकाने वाला कदम ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन ने युद्ध के लगभग ढाई साल बाद भी कई महीनों तक पूर्वी इलाके में रूसी सेना को रोकने के लिए संघर्ष किया है जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के आर्म फोर्स के ज्वाइंट यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल की जगह ब्रिगेडियर जनरल एंड्री गंतोव को चुनने का फैसला किया है हालांकि जेलेंस्की ने वरिष्ठ कमांडर की बर्खास्तगी के कारणों के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है मगर बताया जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह फैसला एजोव ब्रिगेड के एक कमांडर की आलोचना के बाद सामने आया है जिसमें एजोब कमांडर बोगडान क्रोटेविच ने एक दिन पहले स्टेट ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें सोडोल की जांच की मांग की गई थी दावा किया जाता है कि क्रोटोविच ने सोडोल पर कई आरोप लगाए थे साथ ही मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराया था यूक्रेन के पूर्वी छोर पर पकड़ कमजोर होने के पीछे भी सोडोल की भूमिका पर सवाल उठाए थे कहा तो ये भी गया कि रूस से पराजित और परास्त यूक्रेन कई महीनों से बैकफुट पर है रूसी सेना लगभग हर हफ्ते पूर्वी इलाके में नए गाँवों पर दावा कर रही है लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है बताया जाता है कि सोडोल इस साल 11 फरवरी से संयुक्त बलों के कमांडर हैं उन्होंने 2023 में दोनेस ऑपरेशनल कमांड को भी लीड किया था सोडोल की जगह लेने वाले हानातोव ने पहले 2022 से साउथ ऑपरेशनल कमांड के डिप्टी कमांडर के रूप में काम किया था यूक्रेनी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद क्रोटोविच ने लिखा कि हेनाटोव एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं मुझे उम्मीद है कि सामने की खबर बेहतर होगी बहरहाल मुश्किल दौर से गुजर रहे यूक्रेन को बाहर के साथ साथ अंदरूनी जंग में भी जीत हासिल करनी होगी नहीं तो आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे रह